आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं नमक से, तो आपको कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बारे में। तो जब भी किसी के लेडी के पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले उसको ये होता है कहीं मैं प्रेगनेंट तो नहीं हूं, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो आप घर में आसान तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं यूरिन सैंपल है और मेरे पास नमक रखा हुआ यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट हर किसी के घर में होता है, तो आप आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है टेस्ट करने से पहले, वो ये है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। देखिए, प्रेग्नेंट होने पर ये तो सभी को पता है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पीरियड्स मिस होने के अलावा और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं? तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, पीरियड्स मिस होने के प्रेगनेंसी के अलावा आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या फिर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं, आप छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं, और इसके अलावा आपका वजन घटा या बढ़ा हो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स कम हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी आपको पीरियड लेट हो जाते हैं, और इसके अलावा आपने अगर हैवी एक्सरसाइज की है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक हो, तो इसकी वजह से भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये तो हो गए कारण, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा जो भी आपकी पीरियड डेट है, जिस दिन आपको पीरियड आते हैं, अगर उस दिन आपको पीरियड नहीं आए तो उसके बाद आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना चाहिए। 5 दिन के वेट के बाद ही आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना चाहिए। तो 5 दिन के बाद हमेशा ये प्रेगनेंसी टेस्ट करें। आपको करना क्या है, आपको लेना है मॉर्निंग यूरिन सैंपल, यानी कि जो मॉर्निंग यूरिन आप पास आउट करती हैं फर्स्ट, वो यूरिन सैंपल आपको लेना है और आपको लेना है नमक। अब मैं इसमें आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कैसे करना है। ये हमने लेना है नमक, आप देख पा रही हैं, और हमने यूरिन में डाल देना है, और इसके बाद हमें 2 मिनट का वेट करना है। अगर 2 मिनट के बाद ये ऐसा ही दिखाई दिया तो इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर इसमें झाग और लेयर दिखाई दी इसके ऊपर तो इसका मतलब है ये टेस्ट पॉजिटिव है। चलिए अब हम देखते हैं, 2 मिनट का वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्के हल्के बबल्स इसमें होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये टेस्ट पॉजिटिव है। ये देखिए, इस टाइप से बबल्स हो रहे हैं और इस पर ऊपर 5 मिनट में लेयर बन जाती है, इसका मतलब है ये टेस्ट पॉजिटिव है। इस तरीके से आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। कोई बदलाव अगर यूरिन में नहीं आया है तो इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है। आप बिल्कुल कंफर्म करने के लिए किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।